बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड वन की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटर की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। हम सोशल स्टडीज ग्रेड वन का चैप्टर 8 देखेंगे। हमारा लेसन है वेदर और हमारा SLO है आइडेंटिफाई डिफरेंट वेदर कंडीशंस। इस SLO के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मौसम की मुख्तलिफ सूरत हाल को पहचान सकें। हम अपने आज के इस SLO को रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट, कोल्ड और रेन। मौसम क्या है? रोज़ाना की बदलती हुई कैफियत, जिस तरह के सर्दी, गर्मी या बारिश रोज़ाना बदलते हुए कंडीशन को या रोज़ाना बदलती हुई सूरत हाल को हम मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। वी सी वेदर फॉरकास्ट ऑन TV एवरी डे। हमें वेदर फॉरकास्ट का किस तरह से पता चलता है? हम रोज़ाना TV पर देखकर और उसके अलावा हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्ज़र्व करके पता लगाते हैं कि आज की हमारी वेदर कंडीशन क्या है। जिस तरह से किसी दिन बाहर धूप तेज़ होती है या किसी दिन बारिश होती है, तो इस तरह से हम मौसम को देख के अपनी वेदर कंडीशन का पता लगाते हैं। इट टेल्स अबाउट द वेदर कंडीशन ऑफ कमिंग डेज। लेकिन उसके अलावा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसे हमें ये हमें कैसे पता चलता है? TV में वेदर फॉरकास्ट देख के। वेदर डज नॉट रिमेन द सेम ऑल द टाइम। वेदर या मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। अगर आज रेन है तो हो सकता है कल रेन हो, परसों रेन हो, लेकिन सारा साल या सारे महीने रेन नहीं रहेगी, बल्कि कोई दिन सनी होगा, कोई डे क्लाउडी होगा, कोई इसी तरह से विंटर्स में जिस तरह से फॉगी डे होगा। तो वेदर की जो कंडीशन है वो दिनों के साथ साथ बदलती रहती है। इट मे बी रेनिंग वन डे बट हॉट एंड द सनी नेक्स्ट डे। जिस तरह के एक दिन अगर बारिश है तो हो सकता है अगले दिन सनी डे हो। सम ऑफ द वेदर कंडीशंस आर, आए हम अब कुछ वेदर कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज सनी डे। पिक्चर में देखें किस तरह से यू कैन सी अ ब्राइट सन। व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली वी कॉल इट अ सनी डे। जिस दिन सूरज चमक रहा हो उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? सनी डे। द नेक्स्ट इज विंडी डे। When is the moving air? Sometimes wind moves slowly, sometimes it moves faster. हवा हमारे हर वक्त इर्द गिर्द हमारे मौजूद है। हमारे कोई किसी दिन हवा तेज़ चलती है, किसी दिन हवा हल्की होती है, आहिस्ता होती है। We can feel the wind on our face when it is a windy day. लेकिन जिस दिन windy day हो, जिस दिन हवा तेज़ हो, तो हम हवा को अपने चेहरे पर भी महसूस करते हैं। इर्द गिर्द की चीज़ों की मूवमेंट से भी हमें महसूस होता है कि आज हवा तेज़ है, आज विंडी डे है। द नेक्स्ट इज क्लाउडी डे। व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेज इनटू द स्काई इट फॉर्म्स क्लाउड। जब हवा में नमी होती है और ये नमी उठकर आसमान पर फैलती है तो ये क्या बनाती है? हवा में मौजूद नमी जब आसमान पर जाए या स्काई पर जाए तो क्या बनाती है? क्लाउड्स बनाती है। एंड इट इज़ कॉल्ड अ क्लाउडी डे। और जब आसमान में हर तरफ बादल हों इस तरह से, इस सूरत में जब हर तरफ आसमान में बादल हों तो वो क्या कहलाएंगे? इट इज़ कॉल्ड अ क्लाउडी डे। वो दिन बादलों का दिन है। द नेक्स्ट इज रेनी डे। जिस तरह पिक्चर में देखें किस तरह से बारिश है, रेन ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं हर तरफ। Drops of water fall from the sky in the form of rain. पानी के कतरे आसमान से बारिश की सूरत में बरसते हैं। It makes the weather pleasant. और इससे मौसम क्या होता है? खुशगवार हो जाता है। जब आसमान से पानी बरसे तो उसे हम उस दिन को हम क्या कहते हैं? रेनी डे कहते हैं। उसके अलावा रेनी डे में एक और चीज़ क्या है? When the sun shines in the rain, जब सूरज बारिश के दौरान चमक रहा हो या बारिश के बाद चमके, फौरन से एन आर्क और 7 डिफरेंट कलर्स अपीयर इन द स्काई। तो आपको आसमान में एक आर्क नज़र आएगा इस तरह से, इस सूरत में आपको एक आर्क नज़र आएगा जिसमें आपको मुख्तलिफ रंग नज़र आएंगे, जिसे आप उर्दू में
कौसे कज़ा भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम इसे रेनबो कहते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से कलर्स रेनबो में हमें नज़र आते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू एंड रेड। ये तमाम रंग जब हमें आसमान में एक आर्क की सूरत में नज़र आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। रेनबो हमें बारिश के बाद आसमान में देखने को मिलती है। देन द फोगी डे, फॉग इज कॉल्ड क्लाउड्स ऑन द ग्राउंड। फॉग को हम ये भी कह सकते हैं कि बादलों का ज़मीन पर उतर आना फॉग या धुंध कहलाता है। व्हेन इट इज़ अ फॉगी डे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी एनीथिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। जिस दिन फॉग हो, हमारे इर्द गिर्द फॉग बनी हो, तो ऐसे में हम लोग कुछ मीटर पर मौजूद भी चीज़ों को नहीं देख पाते। उसकी क्या वजह है कि बादलों की सूरत में धुंध हर तरफ छाई होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इट इज़ नॉट सेफ़ टू ड्राइव इन फॉग, और ऐसी सूरत में ड्राइव करना या कहीं दूर दराज जाना फॉग में आपके लिए ख़तरनाक है। तो ये थी हमारे पास कुछ वेदर कंडीशंस जिनको हमने डिस्कस किया। इट इंक्लूड्स सनी डे व्हेन द सन इज ब्राइट, रेनी डे, जब आसमान से पानी बरसे, इसी तरह से विंडी डे, फास्ट मूविंग एयर हमारे इर्द गिर्द हो, क्लाउडी डे आसमान बिल्कुल बादलों से भरा हो, और फॉगी डे। अब इसके बाद आप अपना होमवर्क देखें। द फर्स्ट होमवर्क इज़ फ्रॉम योर वर्क बुक विच इज़ बेस्ड ऑन MCQs। फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द क्लाउडी वेदर। आपके सामने दो वेदर कंडीशंस हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्लाउडी वेदर है या फिर ये क्लाउडी वेदर है। नेक्स्ट MCQ की तरफ देखें। वी शुड यूज़ एम्ब्रेला इन, हमें छतरी का इस्तेमाल कब करना चाहिए? क्लाउडी डे में करना चाहिए या फिर रेनी डे में करना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें और अपना नेक्स्ट होमवर्क देखें विच इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। गेस द वेदर, ड्रॉ योर फेवरेट इमोजी इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके सामने पिक्चर्स में एक वेदर कंडीशन दी गई है, उसके सामने आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये विंडी डे है या ये क्लाउडी डे है या ये सनी डे है। तो आप देखें ये क्या है, ये विंडी डे नहीं है ना ये क्लाउडी डे है, इट इज़ अ सनी डे। ये आप अब पिक्चर में सन देख सकते हैं। तो आपने इसके सामने, इस ऑप्शन के सामने अपना कोई भी फेवरेट इमोजी बनाना है और बताना है कि ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसी तरह से आपके पास एक और पिक्चर है, इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है इज़ इट अ क्लाउडी, रेनी और सनी डे। देन सी द नेक्स्ट पिक्चर एंड आइडेंटिफाई क्या ये विंडी डे है, रेनी डे है या हॉट समर डे है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखें, यहाँ पर स्नोई डे है या विंडी डे है या क्लाउडी डे है, कोल्ड डे है। एंड द लास्ट इज़, आखिरी तस्वीर को देखते बताएं क्या ये हॉट डे है, स्नोई डे है या विंडी डे है। हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।